करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। तेरे लई जीवा यीशु तेरे लई मरा, तेरे लई जीवा यीशु तेरे लई मरा। बारिश होने वाली है बोलिया हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूट रहे ने बोलिया हालेलुया, हालेलुया। बरकतां मिल रही है ने बोलिया हालेलुया, हालेलुया। असीं बंदगी कर रहे हैं उस परमेश्वर की जो जिंदा परमेश्वर है। जब असी बंदगी कर रहे हैं असी दसा हुक्मां चो पहला हुक्म है प्रभु इको एक खुदा की बंदगी करना, उसे नु सिजदा करना। आइए ओ महिमा दे योग, ओ बंदगी दे योग परमेश्वर है। आइए आसमान दे थले करती दे कोई होर नाम नहीं दिता गया जिसकी असी आराधना करनी है। आइए सब बंदगी, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, सारे जन है बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। तेरी बारगाहां विच सिर नू झुकावांगा, तेरी बारगाहां विच सिर नू झुकावांगा, तेरी बारगाहां विच सिर नू झुकावांगा। तेरे लई नचांगा मैं तेरे लई गावां, यीशु लई तेरे लई नचांगा मैं तेरे लई गावांगा, तेरे लई नचांगा मैं तेरे लई गावांगा, तेरे लई नचांगा मैं तेरे लई गावांगा। कद माची तेरे यीशु सिर में तरा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। तेरे लई जीवा यीशु तेरे लई मरा, तेरे लई जीवा यीशु तेरे लई मरा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। कोई जान सके आना हद तेरे प्यार दी, कोई जान सके आना हद तेरे प्यार दी, कोई जान सके आना हद तेरे प्यार दी, कोई जान सके आना हद तेरे प्यार दी। हद हर चीज नालो वध तेरे प्यार दी, हर चीज नालो वध तेरे प्यार दी। इहो गल हुण ते मैं कहां हरदा, इहो गल हुण ते मैं कहां हरदा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। तालियों की आवाज, बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा, 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 बंदगी करा मैं तेरी बंदगी करा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 तू तो मेरे संग संग आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बज
हालेलुया 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 संतों के संग संग हालेलुया 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 इब्राहिम के ईश्वर के हालेलुया 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 सच्चे दिल से हालेलुया 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 सारे मिल कर गाते हैं हालेलुया 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 ऊंचे सर में हालेलुया 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 सब कुछ देकर हालेलुया 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 गहराई से हालेलुया 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 सर्वोच्च ईश्वर की आराधना हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान त्रि एक ईश्वर बाप बेटा रूपाक दी आराधना करे
संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। सारे दूतों के संग सारे संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। मिलकर सारे दूतों के संग सब बोले सारे संतों के संग सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें और जोर से ताली बजाए, सारी शक्ति से ईमानदारी से ताली बजाए। अपने अपने जगह बैठ जाइए, अपने अपने जगह बैठ जाइए। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ ही बोलने का कष्ट करे हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना की है, वर्शिप की है,
मैं वर्शिप करने आपको बोल रहा था इस गीत के द्वारा। ये वर्शिप का गीत है, आराधना का गीत। सालों बाद करीब 20-24 साल के बाद प्रभु ने एक आराधना का गीत मेरे को दिया है। बोले आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। और जदों भी ऐसी ये गीत गाया तो प्रभु ने बहुत सारे बरकत दिया। बोले आमेन आमेन। बोले आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्गीय भाषा है, मैंने कहीं से सीख के नहीं आया, ये पवित्र आत्मा ने दिया है। बोले आमेन आमेन। बोलिए ना सारे। मेरे को मालूम नहीं तो मैंने आ शुरू किया, प्रभु ने उसके शब्द दिया। सारे दूतों के संग, सारे संतों के संग, सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। सारे दूतों के संग, सारे संतों के संग, सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना। कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, जो जब आप लोग ये गादो गाओगे ना, आप आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, और वर्शिप में क्या होगा? छुटकारा। बोलिए आमेन आमेन। बंदगी के लास्ट तक इंतजार करेगा क्या? अभी छुटकारा है। बोलिए आमेन आमेन। छुटकारा इस वेले। हालेलुया हालेलुया। तो मुंह खोलो, एक बार मुंह खोल के आप बंदगी करो ना, बंदगी करो। नई चीज भी सीखने का कोशिश करो ना, पुराने चीज ही सीखेगा क्या? नहीं, नए गीत गाओ, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया है आपके लिए। गाओ मेरे साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको मैं कहता हूँ, अपने अपने घरों में भी वर्शिप करना शुरू करो, चर्च में ही नहीं। कई लोग चर्च में भी नहीं करते हैं। वर्शिप जब तक नहीं होगा, बंधन नहीं टूटेगा। बोलिए आमेन आमेन। वर्शिप दिल से निकलना चाहिए, दिल से, ईमानदारी से, खुशी से, संपूर्ण वो फ्रीडम महसूस करना है, आजादी महसूस करना है जी। ऐसे बैठकर कोई आराधना नहीं चलेगा। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा, स्तुति आराधना का मतलब क्या है। स्तुति का मतलब प्रशंसा, तारीफ, उस्तत, बढ़ियाई करना है। बोलिए आमेन आमेन। मतलब बोल बोल के करना पड़ेगा, आवाज की जरूरत है। स्तुति करने के लिए किसकी जरूरत है? आवाज की। स्तुति आवाज के बिना नहीं हो सकता है, पर आराधना के लिए आवाज की जरूरत नहीं है। बोले आमेन आमेन। आराधना में आवाज नहीं चाहिए। आराधना, ये देखो, आराधना करके दिखाऊंगा। आराधना हो गया, घुटने टेकना आराधना है, मथा टेकना आराधना है, हाथ बढ़ाना आराधना है, हाथ जोड़ना आराधना है। बोले आमेन आमेन। इसलिए पाक मास दे विच भी कई बार फादर लोग हाथ बढ़ाते हैं, आराधना चल रहा है, हाथ जोड़ते हैं, आराधना चल रहा है, शीश नवाउंदा है, आराधना चल रहा है। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आराधना के लिए आपके शरीर की भाषा चाहिए,
जुबान नहीं चाहिए, जुबान के बगैर भी आराधना हो सकते हैं, लेकिन स्तुति नहीं, किसी की तारीफ करना आप बहुत अच्छे हो मुख से ही बोलना पड़ेगा। सिर हिलाने से समझ में नहीं आएगा, बोलिए आमीन। सिर हिलाने से समझ आएगा आप बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बोलना है आप बहुत अच्छे हो बोलना ही पड़ता है, बोले हालेलुया हालेलुया। और आराधना के लिए साष्टांग प्रणाम करो, जमीन तक शीश झुकाओ, घुटना टेकना, इसलिए मिस्सा विलतान विच घुटना टेकने के लिए कहते हैं, कुछ लोग तब भी पड़े रहते हैं, आराधना नहीं करते। आराधना करो, वर्शिप करो, बंधन टूटेंगे, बोले हालेलुया 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 हालेलुया। ये हाथ उठाने का मतलब आराधना कर रहे हैं, जो बैठे हैं ना बिना ऐसे, फिर आराधना नहीं कर रहे आप लोग, बेइज्जती कर, बेइज्जती मत करो प्रभु का, आराधना कर, हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ बढ़ाओ ना, मेरे हाथ में माइक है भाई, हालेलुया 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 हालेलुया। आज कितने लोग बाइबल लेकर आए? हाँ, बाइबल उठा के दिखाओ, हाथ नहीं, बाइबल उठा के दिखाओ, ऐसे उठाओ बाइबल। हाँ, कुछ लोग बस्ते से निकल रहे हैं, निकालो निकालो, ऐसे ही बंद करके रखना, कभी खोलना नहीं। खोल बाइबल, उठा के दिखा, यू दिखाओ हिला के, शाबाश, हिलाओ हिलाओ, खोलो खोलो। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बाइबल लेकर आना चाहिए, मोबाइल में नहीं, मोबाइल उठा के मत दिखाना मेरे को, हाँ मैं मामला गड़बड़ हो जाएगा, बोलिए आमेन आमेन। मोबाइल बिल्कुल नहीं है चर्च के अंदर, ये चीज देखना ही नहीं चाहिए, बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। किताब लेके आना, बाइबल बाइबल, वो भी पूरा आधा अधूरा नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों ने हमारे विनती को स्वीकार किया, धन्यवाद। कुछ लोगों का अभी भी कान बंद है, कोई बात नहीं, हालेलुया हालेलुया। जिनके कान हैं वही सुन ले, शाबाश, बोले हालेलुया हालेलुया। मैं तो पक्का बोलने वाला है, आप क्या माने ना माने मेरा टेंशन नहीं है, बोलकर ही जाने वाला, क्योंकि है ना नबी का आत्मा मेरे अंदर गुस्सा है, मैं क्या करूं, नबुवत करने वाला है, बोले हालेलुया हालेलुया। प्रोफेसी करने वाला है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए किसी की तारीफ का टेंशन नहीं लेता है, बोलकर ही जाऊंगा, बोले आमेन आमेन। बाइबल लेकर आना है, बरकत चाहिदा है, वचन दे नाल चिमड़िया रहा, बोले हालेलुया हालेलुया। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। सिराक दो तीन, सिराक दो तीन, उची बोलो सिराक दो तीन। आपको सीखना है, मेरे को मालूम, मैंने सीख लिया भाई, सिराक दो तीन, ये इस तरह जाएगा तो वचन नहीं सीखेगा, उच्च बोलो। वचन सीखने का पहला तरीका क्या है, वचन को जोर से बोलो, सीखो कम से कम बोलो जोर से, सिराक दो तीन। आधा लोगों ने बोला नहीं, और जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, सिराक दो तीन, सिराक दो तीन, उंगलियों में दिखाओ, सिराक दो तीन, सिराक दो तीन, हालेलुया हालेलुया। हाँ, आपके पंजाबी बाइबल में लिखा है, प्रभु नाल चिमड़िया रहा उस तो अलग ना हो, बोलिए आमेन आमेन। पुराना बाइबल में नहीं मिलेगा, कैथोलिक बाइबल में मिलेगा, सिराक दा ग्रंथ, और इनको हिंदी में बोलते हैं प्रवक्ता ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, इंग्लिश में भी सिराक बोलते हैं, बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ, हिंदी में ऐसा है, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये वचन को सीखा है, हम लोग गा गा के YouTube में भी डाल रखा है, बहुत सारे दुनिया सीखते हैं, आपके लिए मौका है, ईश्वर से लिपटे रहो, लिपटे रहना मतलब चमड़े, हाँ वही तो, बोले हालेलुया। बंदर को देखा है? अरे बताओ ना, बंदर को देखा है? बंदर का बच्चों को देखा है? एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जंप मारते हैं, तो बच्चा बंदर को पकड़ते या बंदर बच्चे को पकड़ता है, कौन किसको पकड़ता है, है? बच्चा क्या करता है, किसको पकड़ता है, अपने माँ या बाप को, है ना, सही है। कुछ लोगों को हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, बोले हालेलुया हालेलुया। बंदर फ्री है, बंदर के चारों हाथ पैर फ्री रहता है जंप मारने के लिए, कूदने के लिए, और बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप को यूं ही पकड़ते, उसको बोलते हैं लिपटे रहो। बंदर एक बार पकड़ लिए, उसका पकड़ ढीला नहीं होता, बोले हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि उसके पकड़ में उसकी जान है, पकड़ ढीला हो गया खत्म,
बोले हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर दे नाल की करना, लिपटे रहना। बोलो चाहिए था तो बोलो, की करना वही करना। बोले आमेन आमेन। उस तो अलग नहीं होना, ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे दिखाओ 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 ना। कुछ लोग बोल रहे ये क्यों कर रहा है, अरे करो ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो। पड़ोसी को कोनी नहीं मारना का। हाँ, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। मैं वचन सीखने के लिए कुछ भी करूंगा, ये मेरा प्रॉब्लम है। वचन सीखने के लिए मैं नाचूंगा, गाऊंगा, एक्शन करूंगा, कुछ भी करूंगा, कैसे भी करके एक वचन का टुकड़ा मेरे अंदर चले जाए। बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इसका कीमत, इसका पावर क्या है थोड़ा सा समझते हैं, इसलिए बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने पूरा समझा, थोड़ा सा समझा है। बोले हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारे हो, ध्यान रखना, वचन सब कुछ है, वचन में जीवन है। बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है योहन 6 उसका 63 में 63 में लिखा है, योहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63 उसमें लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है और मां से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो मैंने जो शब्द कहा है वह आत्मा और जीवन है। बोलिए आमेन आमेन। मेरी वाणी आत्मा और जीवन है। सब बोले उच्ची बोलो, मेरी वाणी, मेरी वाणी आत्मा अते जीवन हा, आत्मा अते जीवन है। हालेलुया हालेलुया। यीशु कहता है हालेलुया हालेलुया। स्पिरिट एंड लाइफ, माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ। आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है, कोई मामूली चीज नहीं है। एक बचली मैंने कहा, मेरा कोरोना हो गया था, कोरोना के साथ डेंगू भी हो गया था। मैं 14 दिन हॉस्पिटल में रहा, दिल्ली होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा तो ऊपर जाने का सब कुछ तय हुआ था। बोले आमेन आमेन। बाहर कोई मिलने नहीं आ सकता था, तो बाहर खबर मिलता था कि फादर थॉमस जा रहे हैं। बहुत सारे दुनिया ने मेरे लिए दुआ की, और उस समय भी मेरे साथ ये बाइबल था। बोले आमेन आमेन। ICU में भी बाइबल आया मेरे साथ, और मेरे दिल में भी वचन था। अगर ये वचन नहीं होता आज मैं आपके सामने नहीं खड़े होता। बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। ICU में आके प्रभु ने मेरे साथ बात की, वो बात की बात है, मैं वो गवाही अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये चक के देखा है कि ICU में भी, वेंटिलेटर में भी, कब्र के अंदर में भी, सूखी हड्डियों में भी वचन जा सकता है। बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। इसलिए टेंशन ले रहा हूँ, एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि फादर एक ही चीज को बार बार क्यों बोलते हैं, जिंदगी भर बोलता रहूंगा। बोलिए आमेन आमेन। किसी को इसका थोड़ा सा समझ आ गया ना, फिर बाइबल के बिना कभी चर्च नहीं आए। मैं देखता हूँ मुश्किल से लोग बाइबल लेकर जाता है कोई प्रार्थना के लिए भी। मैं आपको बताता हूँ फिर काय के लिए आते हैं, मोबाइल तो लेकर आए ना, मोबाइल भूला नहीं है ना। छोटे बच्चों को भी मोबाइल सब कुछ मालूम है, बाइबल में कौन सा किताब कहाँ है, किसको क्या बताए। उत्पत्ति निर्गमन लेवी गणना ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ ये तोरा कहलाता है, जो सुवा नय करता ऋतु और सामुवल, सामुवल राजा राजा, पहला इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, एज्रा नहमिया तोबित युदित एस्तेर का ग्रंथ और मकाबी मकाबी, अय्यूब स्तोत्र ग्रंथ, सुक्ति उपदेश ग्रंथ। हाँ, टक 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 बोलना है। बोले आमेन। यूट्यूब में मिलेगा, फादर अनिल देव जी ने गाकर रखा है, बाइबल वो ग्रंथ है टाइप करना, बाइबल वो ग्रंथ है टाइप करना, पूरे गाकर मिलेगा। बोले आमेन आमेन। ऑफ कोर्स हिंदी में मिलेगा, पंजाबी में सीखो उत्पत्ति कूच लेवी गिनती आकर इस तरह बोलना पड़ेगा। पंजाबी सीखो, इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, पर बाइबल सीखो ना। बोले आमेन आमेन। ज्योति जिसे आलोकित करती है, ज्योति जिसे आलोकित करती है, वह स्वयं ज्योति बन जाता है, वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए नींद से जागो, मृतको में से जी उठो, जी उठो, नींद से जागो, मृतको में से जी उठो, और मसीह तुमको आलोकित
कर देंगे और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। एफसियां 5:14 मैंने बाइबल वचन ही बोलूंगा, आपको लगना नहीं जी मैं कोई गीत गाने आया, बाइबल का वचन सुना है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। एफेसियों 5:14 बोले हालेलुया 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 हालेलुया। ये ताजा ताजा है, हमने किसी चर्च में गाया नहीं, ये वचन ताजा ताजा गाया आपके लिए। बोले हालेलुया। पिछले दिन 6 तारीख को जागरण था, उसमें हमने गाया है बटाला में, अभी आपके लिए गाया है। जिनको सीखने का मन है सीख लो। बोले हालेलुया। आज मैं आपको कुछ खास बात बताने का, ध्यान से सुनो, मुक्ति के बारे बताना है। किस चीज के बारे? मुक्ति के बारे। हालेलुया हालेलुया। मेरे को बताओ मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? व्हाट इज सल्वेशन? मुक्ति क्या है? आपका उद्धार हुआ है? आंटी जी बोला देखा, ये तो हाँ मेरी आंटी बैठी है इधर, देखा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंटी के साथ भी हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पहले जागरण से जानते हैं। बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। जोर से ताले बजाओ इनके लिए, हालेलुया। तो पापां दी माफी, उसको की कहना है? मुक्ति। एफेसियां 1:7 पढ़ो। एफेसियंस 1:7 मसीह दे खून द्वारा ही, मसीह दे खून द्वारा ही साडे पाप माफ होए हन, साडे पाप माफ होए हन, अते सानू मुक्ति मिली है, अते सानू मुक्ति मिली है। हालेलुया हालेलुया। मसीह दे खून द्वारा ही सानू की मिली है? मुक्ति मिली है, यानी पापां दी माफी। मुक्ति दा मतलब क्या है? पापां दी माफी। पूछी बोलो मुक्ति मतलब की है? पापा दी माफी। फिर कोई पूछेगा तो यूं चुप बैठेगा, बाबू जी ने पूछ के बतावांगा, फादर जी ने पूछ के बतावांगा, ये नहीं बोलना। मुक्ति मतलब क्या है बोलो जोर से, बाइबल विचों कट के बता रहा हूं, बाइबल विचों निकाल के बता रहा हूं। मुक्ति का मतलब है पापों की माफी। बोले हालेलुया हालेलुया। मुक्ति मतलब क्या है? पापा दी माफी। कौन दे लाऊंगा? किस तरह? अपने लहू द्वारा, अपने लहू द्वारा, लहू द्वारा। तो अपने लहू द्वारा यीशु मसीह सानू की देंदा है? पापां दी माफी। पापां दी माफी यानी मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह सानू की देंदा है? माफी, यानी पापां दी माफी यानी मुक्ति। इसलिए असि उन्हें कहंदा है मुक्ति दाता। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। सो ध्यान नाल सुनो, जब कोरोना इतना ज़्यादा था, प्रभु ने मेरे को एक संदेश दिया। तुसी कोरोना है कोरोना है कोरोना है बोल के जानता है, लेकिन कोरोना के विरुद्ध लड़ता नहीं है। बोले आमेन मेन। लड़ाई करो, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर। प्रभु ने बोला अस्त्र शस्त्र क्या इस्तेमाल करेगा? यीशु मसीह का लहू सबसे बड़ा शस्त्र है। बोले आमेन आमेन। लहू का विरुद्ध कोई शक्ति है? नहीं। यीशु का नाम, उसका विरुद्ध भी कोई शक्ति नहीं हो सकता। बोलिए आमेन आमेन। और यीशु का वचन, ये तीन शस्त्र का इस्तेमाल कर। यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का वचन, सब बोले आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको लड़ना सिखा रहा हूँ, सुनकर जाना नहीं, प्रार्थना करना कैसे है और बाइबल के वचन के साथ प्रार्थना करना, आज लहू को कैसे इस्तेमाल करना, लहू के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त करना, वो मुक्ति यानी पापों की माफी कैसे महसूस करना, शैतान को कैसे पराजित करना, यीशु मसीह के उद्धार का मतलब क्या है, क्या मेरे को उद्धार मिला या नहीं मिला है, ये आपको देखना पड़ेगा आज। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे को प्रभु ने बोला कल तुम नहीं है तो कैसे प्रचार करोगे, ऐसे प्रचार कर। एक ही दिन प्रचार के लिए है, एक ही पल मेरे लिए है, पर मैं मुक्ति का संदेश दूंगा, सुसमाचार, गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह अपने लहू द्वारा समस्त मानव जाति का सारे पाप तो
खत्म कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। अब जो कोई ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, उससे मुक्ति मुफ्त में मिल जाएंगे। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ बढ़ा के हालेलुया हालेलुया। ऊंची बोल हालेलुया हालेलुया। ये सुसमाचार है। दुनिया के कोने कोने में जाकर क्या बोलना है? सुसमाचार फैलाना। सुसमाचार यीशु है, यीशु के द्वारा मुक्ति है। बोले आमेन आमेन। पापांदी माफी, पापों की माफी है। कहीं और मिलेगा? नहीं। कहीं और मिलेगा? नहीं। बताओ ना, किसी दुकान में मिलेगा? कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु के सिवा और कोई नहीं है मुक्ति देने वास्ते। बोलिए हालेलुया हालेलुया। क्योंकि किसी और ने लहू नहीं बहाया। इब्रानियों का पत्र 9:22 आयत पढ़ो। इस तरह व्यवस्था अनुसार हर एक चीज खून द्वारा शुद्ध कीती जांदी है अते खून बहाए बिना किसे दे पाप दी माफी नहीं है। मेरे पीछे सज्जे हाथ ऊपर करके बोलो, दाहिने हाथ ऊपर करो, मेरे पीछे बोलो, खून बहाए बिना प्रभु का वचन है ना, ऊंची बोलो, खून बहाए बिना किसे दे पापां दी माफी नहीं है। आमेन आमेन। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त स्वगात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के लहू के बिना, यानी ईश्वर के परम पावन मेमना लेला, उसके रक्त के बिना किससे दे पाप दी माफी नहीं है। बोले हालेलुया हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की लोड है, यीशु मसीह की जरूरत है। क्यों यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लाना? क्योंकि यीशु मसीह ही मुक्ति दे सकता है, यानी पापां दी माफी। हालेलुया 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 हालेलुया। तुसी दुनिया के किसी जगह पर जाओ जी, मुक्ति यानी पापों की माफी नहीं मिलेगी। कहीं भी नहाने से, स्नान करने से आपको मुक्ति नहीं मिलती। शरीर तो साफ होगा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया पर मन को धोया नहीं, फिर स्नान करने से क्या फायदा है? पाप को भीतर से निकलता है। मरकुस के अंजील दा 7:20 पढ़ो। यीशु ने अगे कहा जो आदमी दे अंदरों निकलता है उसनों अपवित्र करता है आदमी दे अंदरों मन विचों विचार निकलते हन आचरणहीनता हत्या व्यभिचार लालच वैर मकारी गवारपन साड़ा निंदा हंकार अते मूर्खता। यह सारिया बुराइयां आदमी दे अंदरों निकल दिया हन अते उसनू अपवित्र कर दिया हन। सारिया बुराइयां आदमी दे अंदरों भीतरों निकलते हैं, उसको अशुद्ध यानी अपवित्र कर दिया हन। बोले हालेलुया हालेलुया। बुराइयां कहां से आते हैं? मनुख दे अंदरों। तो अंदर लहू बहता है, इसलिए आज यीशु मसीह दा पवित्र लहू अते बदन की त्योहार मनाने का दिन। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु का लहू आपके लहू में ना मिले, यीशु का लहू आपके दिल तक नहीं पहुँचे, आपके भीतर तक नहीं पहुँचे, आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ लोग पक्ष रखते नहीं लेते हैं, आपको लगता है कि पाप क्षमा यूं ही मिलेगी? नहीं मिलेगी। पाक्षरात कोई मामूली चीज है जिसके द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलेगी। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील दा 3:16 आयत पढ़ो। फादर गरेवाल जी ने भी समझाया आपको पाक मिसा विचों की मिलता है। मैं तुहानू दस रहा, यीशु मसीह सानू की देंदा है? पापां दी माफी देंदा, अनंत जीवन, स्वर्ग, हमेशा दी जिंदगी। ये कहीं और नहीं मिलेगा।
इसलिए यीशु के पीछे जाना पड़ता है। मुक्ति का मतलब वही है, मोक्ष का मतलब वही है, उद्धार का मतलब यही है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने संसार नाल इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता। हाँ। ता जो सारे जेड़े उस उते विश्वास करन, तां जो जेड़े उस उते ईमान लावे, नाश ना होन सगो अनंत जीवन प्राप्त करन। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हाथों को ऐसे गिला के बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसे गिला के बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसे गिला के बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल सी। कई लोग मेरे को पूछता था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करना है, वाई टू बिलीव इन जीसस। बहुत बड़ा सवाल होते हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, चारों तरफ हम बहुत सारे विश्वासियों को देखते हैं, अलग अलग कौम के लोगों को, तो ये सवाल बड़ा अहम होता है। तो प्रभु ने मेरे को उत्तर दिया यूहन्ना 3:16 दे रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्यार के बारे इस वचन को बोलता था। उस दिन मेरे प्रभु ने आंखें खोल दी, बोला ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार दे नाल इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे नु अर्पित किया। क्यों? जिससे जो उसमें विश्वास करेगा, किसमें? उसके पुत्र में, यानी यीशु में। जो उसके पुत्र यीशु में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। बोले आमेन, आमेन। मेरे को उत्तर मिला यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत क्या है, Why to believe in Jesus? क्योंकि जो उसमें विश्वास करेगा, यानी जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा। बोले आमेन। जो इस बात पर विश्वास करते हैं, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके दिल को देखता है। बोलिए आमेन। बस काफी है, प्रभु आपके दिल को देख रहा है। आप किस तरह से बैठ रहे, सो रहे, सुन रहे, समझ रहा है, प्रभु देख रहा है। कुछ लोग चर्च में भी बैठ के मोबाइल चलाते हैं, कुछ लोग खेलते फिरते खाते पीते चर्च में बैठ के, प्रभु सब कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है? बताओ। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है, प्रभु आपके दिल को देखता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। इसलिए ईमानदारी चाहिए, वर्षिप में ईमानदारी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो, प्रभु का वचन कैसे सुन रहा है, मैं भी देख रहा हूं इधर से। ईमानदारी से सुनेगा, आज इसी वक्त वचन पूरा होगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। मैंने बहुत सारे चमत्कार देखा है जी, प्रार्थना भवन के बीच भी, और मैंने बहुत सारे दुनिया घूमे हैं, प्रभु ने मेरे को लेकर गया, बहुत सारे चमत्कार, आज भी चमत्कार ही है। मैं इधर खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, साह ले सकता हूँ, प्रभु की करुणा है। बोलिए आमेन। तो सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह में विश्वास करोगे आपका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि आपको क्या मिलेगा, अनंत जीवन। उसको कहते हैं मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सानू क्या देता है, क्या देता है हमें? मुक्ति का मतलब क्या है? पापांदी माफी। और कहीं मिलेगा? कैसे देता है मुक्ति, पापांदी माफी किस तरह देता है? अपने लहू द्वारा। अभी पूछूंगा, कल जो बाइबल सिखाया था ना वचन, मैं पूछूंगा, आप बहन बताओ वो एक वचन कल जो सिखाया याद है तो? हाँ, एक जन बोलो। हाँ, पहले ये ऐनक वाली, उसके बाद ये ऐनक वाली। हाँ बताइए। हाँ, लुका 19:9 आप बोलिए। हाँ हाँ, आज मेरे दिल विच भी मुक्ति आई है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा, इस बहन के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा जी, हालेलुया, हालेलुया। लुका 19:9 क्या है जी? लुका 19:9 आज इस घर विच मुक्ति आई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हिंदी में, मेरे को ना, मैं बैठे बैठे गाना नहीं बनाता, मैं खड़े खड़े मेरे को मुंह में आ जाता है। बोलिए आमेन, आमेन। प्रार्थना के बीच में आते हैं, मैं बैठ कर इसको बनाता थोड़ी है, मेरे को प्रार्थना के बीच में यू ही आ जाएगा। बोलिए आमेन, आमेन। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है,
आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। लुका 19:10 ये भी याद रखो आज। जो खो गया था, मेरे पीछे बोले, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मनुख का पुत्र गवाचिया होयानू लभन अते बचाउन दे ले आया है। हालेलुया। ये वचन में इतनी ताकत है, पूछो मत। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही सुसमाचार है। बोले आमेन आमेन। प्रभु यीशु कहता है, मनुष्य का पुत्र जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने आया, खोजने और बचाने लबन अते बचाउन दे ली आया है। बोले आमेन आमेन। किसको? जो खो गया था। बोले आमेन आमेन। गवाचिया है आसी। हालेलुया हालेलुया। सुनो, कहीं भी नहीं मिलेगा दोबारा चांस देने वाला ईश्वर को। पापी, खराब, मड़ा है, बेकार है, दुनिया वाला बोलते हैं इसको अच्छा नहीं, इसका रंग अच्छा नहीं, इसका चेहरा अच्छा नहीं, इसके बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है, जो भी खराब है दुनिया वाला बोलते हैं इसको नहीं चाहिए। यीशु क्या कहते हैं? यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। एक बार मसीह के लिए जोरदार ताली बजाए। मैं आपको बताऊं, पूरे तेरह साल के पढ़ाई के बाद फादर बना है। एक दो दिन में फादर नहीं बना है। एक दो दिन में है ना, बाइबल लेकर नहीं रखा, प्रचार करना शुरू नहीं की। बोले हालेलुया हालेलुया। हम मसीह के लिए पागल होने के लिए निकले हैं। घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। अभी मेरा एक और टाइटल था, वो भी मैंने छोड़ दिया, पारिश प्रिस्ट, वो भी छोड़ दिया। पिछले हफ्ते से मैं आजाद होकर इधर आया, पारिश प्रिस्ट का भी काम छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ प्रचार ही करूंगा। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे को पद की जरूरत नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, फलाना पद चाहिए, टाइटल के लिए मैं नहीं आया, मैं यीशु के लिए आया। बोले आमेन आमेन। मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैंने आज ये ढूंढ ढूंढ के भाई संडी को बोला, हमारे बाबूजी का फेवरेट गाना है, गाओ। क्या है? तेरे लिए जीवा यीशु, तेरे लिए मरा, तेरे लिए जीवा यीशु, तेरे लिए मरा। हालेलुया हालेलुया। यही पर्पस है जी। क्यों? क्योंकि मैंने 13 साल के पढ़ाई में और पूरे जितने भी ग्रंथ पढ़ा है, सभी रिलीजन में पढ़ा है, सारे रिलीजन के ज्ञान है एक फादर का, सभी दुनिया के सारे जितने भी धर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं, अच्छी चीज पढ़ते हैं, कुछ भी बुरा नहीं पढ़ते हैं, पर मैंने कहीं भी नहीं देखा ऐसा प्यार करने वाला खुदा को, जिसने अपने जान देकर मोहब्बत करता है। बोले हालेलुया हालेलुया। एक पापी के लिए जान देता है। रोमियों का पत्र 5:8 वचन पढ़ो, जदो असी पापी सा मसीह साडे लिए मोए, और इसी दे द्वारा खुदा बाप ने साडे लिए अपना प्यार का सबूत दे दिता है। बोलिए आमेन। व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स, क्राइस्ट डाइड फॉर अस, थ्रू दिस गॉड द फादर प्रूव्ड हिज लव। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। जिनको समझना है तो समझो, जब हम पापी थे, जदो असी पापी सा पापियों के लिए मरा है, कोई अच्छे इंसान के लिए नहीं, कोई धर्मी के लिए नहीं, ऐसा खुदा को कहां मिलेगा यार, ऐसे मोहब्बत को कहां मिलेगा। इसलिए सुनने वालों, अगर आप पाप में हो, आप दुखी हो, निराश में हो, परेशान हो, टूट गए हो, कलीसिया से अलग हो गए हो, आज यीशु आपको दोबारा बुला रहा है। यीशु बुला रहा है, मेरे को लाओ, मैं तुहानू आराम देवांगा। बोलिए आमेन आमेन। थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम्ही सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। ये कहां मिलेगा प्यार? दुनिया में एक बार पापी, बेकार, कामयाबी नहीं है, असफल है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये शराबी है, ये नशेड़ी है, ये बेकार है, ये व्यभिचार करता है, उसको फेंक देते हैं। इसलिए कई लोग तलाक भी करते हैं ना, फादर जी आपको क्या पता है इस आदमी मेरे साथ क्या क्या करते हैं। हाँ, ये झगड़ा करता है, दांत तोड़वाते हैं, क्या करता है, कूटता, मारता,
बुरा हो गया ना एक मिनट में, इसलिए छोड़ दिया, फिर दूसरे को ले लिया, तीसरे को कर दिया। मैं आपको कहता हूं यीशु ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, वो पापी के लिए जान देने वाला है। बोले आमेन। आमेन। आपके बदले मेरे बदले जान देने वाला, आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, आपके मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, आपको बोला तू नहीं मरना, मैं तेरे लिए मरूंगा। बोले आमेन। आमेन। और उसके लिए नहीं जिएंगे तो फिर किसके लिए जिएंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे उधर बोलते थे इस कपड़े को देख करना कैप्यूचन ड्रेस ऐसा है, नेटी वांगे इसमें बीच में नहीं, ऐसे ही पहनना पड़ता है ना, इसमें कोई कटिंग मुटिंग नहीं है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और ये जोकर का ड्रेस पहन के हम घूमते हैं ना, दुनिया वाला सोचते हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन सा जंगल से, हम जंगल वाले कहलाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मसीह के लिए हम कुछ भी कहलाए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मसीह के हैं। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जीऊंगा मरूंगा उसके लिए। हालेलुया। 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 क्योंकि उसने उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है, पापों की माफी दिया है, वो कोई नहीं दे सकता है। एक पल खड़े हो जाएंगे, हम आराधना के लिए तैयार हो जाएं, पवित्र पाक शराकत की आराधना में। प्रभु यीशु साडे विचकार आने वाला है, प्रभु दास जी स्वागत करांगे। हालेलुया। हालेलुया। कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, भीड़ जो है यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। मैं कई बस में गए हैं कई बार, एक बार मैं दिल्ली में था, दिल्ली में सेवा किया है एक साल, मेरा स्कूटर का सर्विस के लिए दिया था, मैं अपना हेलमेट और लेकर स्कूटर वापस लेने के लिए जा रहा था, एक बस के पीछे से अंदर घुसना पड़ता फिर सामने के द्वार से बाहर आना। मैंने 15-20 मिनट कोशिश किया, काय के पूछो, काय के लिए कोशिश किया, जब से अंदर घुस गया ना तब से लेकर बाहर निकलने का कोशिश ही कर रहा था। बोले हमें उस बस में करीब 150 लोग हैं, मैं इतना पतला सा बंदा हूँ, देख रहा है ना मेरे को, हाँ ये पतला सा बंदा ये इतने लोगों के बीच में से कैसे बाहर निकलेंगे, मेरे को लोगों ने कोट कोट कर चटनी बना दिया। और जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ मेरे को याद रखता है, भाई यीशु के ऊपर लोग गिरे पड़ते थे, मतलब सचमुच यीशु के ऊपर धक्का मुक्की हो रहा था, लेकिन किसी को कोई चंगाई नहीं मिली। बीच में एक औरत आई, यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ यूं, और उसी क्षण वो चंगी होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या डिफरेंस रहा, फर्क क्या रहा? हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसने यीशु के बारे सुना। बोलिए आमेन। आमेन। She heard about Jesus। आमेन। यीशु के बारे सुनकर आए। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अनेक अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद भी उसके बीमारी का कोई लाभ नहीं, उल्टा और ज्यादा बीमार हो गए। उसके लिए आखिरी मौका था यीशु के पास आना, उसने किसी का परवाह नहीं की। ऐसे बीमारी रखने वाला कोई भी पब्लिक में नहीं जाती थी, पर ये इसने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि यीशु एक बार चले गए फिर यीशु को कहां ढूंढे। जो चौसन मूवी है, जीसस का मूवी, आपके मोबाइल में भी मिल सकता है, चौसन मूवी में उस बेटी का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका के रक्तवाहक बीमारी सी। बोले आमेन। आमेन। उसका हाल इतना बुरा था पूछो मत, कई घर से छोड़ दिया, सिनेगोग सभाघर से छोड़ दिया, परिवार वाले छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, कहीं भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे हालात में वो यीशु के पास आई, उसके लिए आखिरी मौका था। बोलिए आमेन। एक बार उसने मन में बोला, एक बार उसके कपड़े भर छू पाऊं तो मैं। हालेलुया। ऐसे विश्वास वाले कोई खड़े हैं? मैं हाथ भी नहीं दिख रहा, हाँ जी भी नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये तो विश्वास की फर्क है। प्रभु ने उस बेटी को कहा, तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया है। बोले हालेलुया। आज यीशु पवित्र सैक्रमेंट दे विच साडे विचकार इस वक्त मौजूद होने वाला है। आराधना स्तुति हो यीशु तेरे, आराधना स्तुति हो हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो।
सिरजनहार तू, पर्वत नदियों का सिरजनहार तू, पर्वतों नदियों का सिरजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हल्लेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। जय जयकार यीशु तेरी, जय जयकार, जय जयकार, 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 जय जयकार अब्बा तेरी, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार अब्बा तेरी, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार आत्मा तेरी, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार आत्मा तेरी, जय जयकार। कष्टों में जय हो, दुखों में जय हो, बीमारी में तेरी जय जय हो। कष्टों में जय हो, दुखों में जय हो, बीमारी में तेरी जय जय हो। हल्लेलुया 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 मुझे सर में हल्लेलुया 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 ताली बजाकर हल्लेलुया 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 नारे मिलके हल्लेलुया 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 ऊंचे सर में हल्लेलुया 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 सच्चे दिल से हल्लेलुया 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 शक्ति से हल्लेलुया 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 रोगी बोले हल्लेलुया 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 पापी बोले हल्लेलुया 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 रोगी बोले हल्लेलुया 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 बीमार बोले हल्लेलुया 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 अंधा बोले हल्लेलुया 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 गूंगा बोले हल्लेलुया 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 बीमार बोले हल्लेलुया 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 पापी बोले हल्लेलुया 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 दूधों के संग हल्लेलुया 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 संतों के संग हल्लेलुया 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 दूध बोले हल्लेलुया 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 पर्वत बोले हल्लेलुया 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 सागर बोले हल्लेलुया 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 सब बोले हल्लेलुया 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 Hallelujah 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 Hallelujah
सभी लोगों का हाथों पर उठे, एक मन से एक दिल से दूतों संतों के साथ मिलने का ये मौका है। वर्शिप करो सबके दिल से, आंखों को बंद करो, महसूस करो प्रभु मेरे बिल्कुल आंखों के सामने है, मेरे दिल में विराजमान है। We worship you, Father.
हाथों को बढ़ाए थोड़ा यीशु की ओर, ऐसे बढ़ाओ प्रभु की तरफ, दोनों हाथों को बढ़ाओ और त्रिएक ईश्वर भक्त श्री खुदा दी वर्शिप करेंगे। आप इतना तो जानते हैं, अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, मेरे पीछे बोले, सब मिलकर बोले, अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, वर्षिप के बीच में छुटकारा, चंगाई, हीलिंग, आशीष, बरकत आपको मिल जाएगी। बोलिए आमेन। फादर जी ने एक अच्छी गल दसी आज, फादर जॉन ग्रेवाल जी ने, कि बिना मांगे यीशु ने अपने बदन और लहू साडे लिए दिता है। बोलिए आमेन। आमेन। मांगा नहीं है, बोलिए आमेन। चाहे तुसी मांगे ना मांगे, विश्वास करना काफी है। बोलिए आमेन। आमेन। विश्वास दे नाल खड़े हो, मैं यीशु दी महिमा गाऊंगी, गाऊंगा तो यीशु मैनु चंगा करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। तो चंगाई इसी वक्त हो रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह तुसी महिमा कर रहे हो ना, प्रभु की वडियाई कर रहे हैं, यीशु तुहाडे विचकार तुर रहा है। बोले आमेन। आमेन। घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के माथे पर हाथ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के सीने से लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी के किडनी को चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के लिवर को चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के आस्थमा के बीमारी चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चे दिल से ईमानदारी से प्रभु को देखे, त्रिएक ईश्वर पाक तस्लीस खुदा दी वडियाई करे। अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, ताली बजा के आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, सच्चे दिल से अब्बा की आराधना, यीशु की आराधना, रूह की आराधना, आराधना करो, वर्शिप करो अब्बा की। टच कर रहा है, यीशु को छू रहा है। आमेन। आ
खुशियों से भर रहा है, यीशु आनंद दे रहा है, अद्भुत चमत्कार, हीलिंग वंडर्स मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस, ओ जीसस। पांच लोगों को यीशु हार्ट की बीमारी तो चंगाई दे रहा, बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे को बोल रहे हैं ये जब टीवी में आएगा, टीवी में देखकर अनेकों को प्रभु छुटकारा देने वाला है, बोले आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आस्थमा के परेशानी से प्रभु चंगाई दे रहा, लंग्स के प्रॉब्लम से, लंग्स के प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा, बोले आमेन, आमेन। किसी को सांस लेने में तकलीफ है, यीशु चंगाई दे रहा, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप करते रहो, वर्शिप करते रहो, हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी एक्सीडेंट के वजह से पैर टूटा है, हड्डी टूटे है, ये इसके बाद स्टील का आयरन का जो रोड लगा रखा है, सरिया रखा रहा है, वो यीशु मसीह चंगाई दे रहा, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। रक्तवान की बीमारी से, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से प्रभु कई बहनों को छू रहा है, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह बिना कोऑपरेशन से आपको छू के चंगाई दे रहा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते रहो, सारे दूतों के संग, सारे संतों के संग, सारी शक्ति से करते हैं तेरी आराधना, यीशु को देख के बोलो, दूतों के संग, सारे संतों के संग, हाथों में लहरा कर बोलो, शक्ति से करते हैं तेरी आराधना, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। दो व्यक्तियों को डायलिसिस कर रहे, किडनी का प्रॉब्लम है, गुर्दे के मरीज है, उनको प्रभु चंगाई दे रहा, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई गुरमीत करके कोई नाम प्रभु ले रहा है, प्रभु चंगाई दे रहा, बोलिए आमेन, आमेन। कोई अशोक करके किसी का नाम प्रभु चंगाई दे रहा, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई लीला करके कोई नाम है, यीशु बुला रहा है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों से आंसू भर रहा है, आंखों से पानी बहता है, यीशु चंगाई दे रहा, बोलिए आमेन, आमेन। जीसस इज टचिंग एंड हीलिंग यू, आमेन। हमारा लबा हबा बारा ला मुरला लबा बारा लबा हाशारा लबा हला 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 शारा लबा हला हला सुंदरा लबा रा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रानी रानी नाम किसी को प्रभु छू रहा है, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पूरे पूरे पीठ में सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन इधर-उधर कर नहीं सकता है, यीशु छू रहा है, आपके आपके कंधे का, आपके जो मोटे के जो दर्द है, यीशु छू रहा है, बोलिए आमेन, आमेन। हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे, यीशु हाथ उठाने बोल रहे हैं, यीशु आपका हाथ चंगाई दे रहा है, बोलिए आमेन, जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया जीसस, 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 हालेलुया, रब रब रब, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको बोल रहे हैं कि यीशु के लहू, उसका नाम और यीशु का वचन, ये तीनों शस्त्रों का इस्तेमाल करने के लिए, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया के पीछे ना जाओ, इंसान से प्रार्थना मांगना बुरा नहीं, लेकिन पहले खुदा के पास जाओ, डायरेक्ट कनेक्शन रखो ना, प्रभु आपको कह रहे हैं दुनिया के पीछे मत जाकर, यीशु के पास आ, बोलिए आमेन, आमेन। संत आंटनी वही करता है, यीशु देखो लोगों को लेके आए, बोलिए आमेन, आमेन। ये चर्च में प्रार्थना होना चाहिए, जो कोई यहाँ पर आके दुआ करेगा चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखेगा, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ कराने के लिए नहीं कर रहा, प्रभु जो बोल रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान देखो, प्रभु कहता है वचन का सहारा ले, बोलिए आमेन, आमेन। वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर,
मैं आपको कहता हूं, एक महीना प्रार्थना कर, वचन को हजार बार लिख लो। जिनका शादी की रुकावट है, मार्कुस 11:24 हजार बार लिख, नहीं तो एक महीना लगातार बोलना शुरू कर, अपने घरों में लिख के रख, बना कर रख, उसको लैमिनेट करके रख। घरों में वचन होना चाहिए, बोले आमेन आमेन। दिल में वचन होना चाहिए, हालेलुया हालेलुया। वचन को ऊंची बोल के दुआ करना शुरू कर और इतना बोल, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, बोले आमेन आमेन। मेरे परिवार लिए पूरा हो जाए, मेरे कलीसिया के लिए पूरा हो जाए, मेरे डायसिस के लिए पूरा हो जाए। सानू एक बिशप की लोड है, बिशप के लिए प्रार्थना करो ना, बोले आमेन आमेन। अगुवाओं के लिए लोड है, प्रार्थना कर। हमारे राजनीति लोगों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राजनीति लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, अधिकारियों के लिए, फौजियों के लिए, पुलिस वालों के लिए, टीचरों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सबके लिए दुआ कर, बोले आमेन आमेन। दुआ करना सबके लिए, नाम ले लेकर दुआ कर। यीशु को लहू लगा दे, पूरे डायसिस पर लगा दे, बोले आमेन। जलंधर डीनरी में लगा ले, हालेलुया हालेलुया। आपके इस इलाके में हर एक परिवार के ऊपर यीशु का लहू लग जाए, हालेलुया हालेलुया। यीशु का लहू लगा देता हूँ मैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। एंड यू विल सी द वंडर्स, मिरेकल्स, हीलिंग, डिलीवरेंस, से आमेन हालेलुया हालेलुया। यीशु का लहू है, शैतान उधर नजर भी नहीं लगा सकते, बोलिए आमेन आमेन। आपको क्या लगता है, यीशु के लहू में इतनी ताकत है, कोई शक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, बोलिए आमेन आमेन। इसलिए आप अपना दोनों हाथ सिर पे लगाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु जी बोलो, प्रभु प्रभु यीशु नासरी, यीशु नासरी, ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये तुहाडा हाथ है, ये तुहाडा हाथ है। मैनु छू ले, मैनु छू ले, मैनु छू के चंगा कर, मैनु छू के चंगा कर। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, असि तेरे नाम ते विश्वास करते हां, असि तेरे नाम ते विश्वास करते हां। तेरे लई, मेरे लई कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे लई, तेरे लई सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अपना पावन हाथ बढ़ा के, अपना पावन हाथ बढ़ा इसी वक्त मेरी जिंदगी विच, मेरी जिंदगी विच चंगाई आवे, चंगाई आवे, छुटकारा आवे, छुटकारा आवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, सिर तो लेके पाँव तक, सिर तो लेके पैरा तक, मैं तेरे पाक लहू लगाऊं दे हां, लगाऊं दे हां। आमेन आमेन। अभी सारे सिर तो लेके पाँव तक ऐसे इशारा करके यीशु का लहू लगाओ, पाँव तक लगा देना, यीशु के लहू से अपने आप को कवर कर लो, अपने आप को कवर कर लो, बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। और मार्क बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, दो चीज है, यीशु के लहू से धो दिया जाना, यीशु के लहू से निशान किया जाना, बोलिए आमेन आमेन। जिस दे होते यीशु दे लहू का निशान है, शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा, बोलिए आमेन आमेन। मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, कुछ भी हो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बोले आमेन आमेन। आपको किसी चीज तो डरने की लोड़ नहीं, क्योंकि यीशु दे लहू दे नाल तुसी अपने आप नु निशान किया गया, बोले आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेवी दा ग्रंथ 8 बाब दे 23 आयत विच लिखा है, मूसा ने मेमने दा लहू लेकर हारून दे सज्जे कन्न दी पपड़ी, सज्जे हाथ दे अंगूठे, सज्जे पैर दे अंगूठे दे विच लगा दिता, बोले आमेन आमेन। और नवा नियम दे विच खुदा दा मेमना है यीशु, बोले आमेन आमेन। यीशु दा लहू लेके लगाओ मेरे पीछे, कान दे पापड़ी विच लगाओ, लगा दिया, सज्जे हाथ दे अंगूठे, सच्चे पैर दे अंगूठे विच लगा दिया, बोले आमेन हालेलुया हालेलुया। अपने आप को मार्ग कर दिया, बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। हुण इस तरह होया, कोई प्रार्थना दे विचों वापस जा रहे, रात हो गया, तुहाडे घर दे लागे लाइट नहीं है, उस कोने विच कोई डरना नहीं, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बोले आमेन। हेलो भाई सन्नी है ना, ये सन्नी पाजी है, ये जा रहा है अपना घर, तो खड़े हैं
चार शैतान, एक वड्डा, तीन छोटे, बोलिए आमेन। आमेन। उस तो नंगने वाले नु फड़ने वास्ते दूर तो देख लिया छोटे ने, छोटे ने बोला गुरु जी एक आ रहा है, आने दो आने दो पकड़ेगी। तो थोड़ा सा और नेड़े आया, बोला सन्नी पाजी आ रहा है, उन्हें फड़ लेंगे। हालेलुया। और गौर के देखा बड़े ने, तो छोटे को बोला इधर आ इधर आ। छोटे सब इकट्ठे आया तो बड़े ने बोला अरे देख उसके कन्ने दे पपड़ी दी, उसके जो सज्जे हाथ के अंगूठे, वो पैर के अंगूठे यीशु मसीह का लहू है। उसने बोला इधर आ और ध्यान से सुन, अनजाने में भी उसको टच नहीं करना, चेक कर तुसी टच करोगे फरिश्तियां दे इन्ने वड्डी एक मंडली तुहाडे उत्ते टूट पड़ेगा, तेरा सत्यनाश करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान नरक, शैतान और नरक एक बूंद लहू से नष्ट हो जाता है। बोलिए आमेन आमेन। आप यीशु के लहू लगाकर चलो, चाहे नरक के बीचों बीच भी जाओ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोलिए आमेन। विश्वास है, डर दूर होना चाहिए। बोलिए हालेलुया हालेलुया। मैंने यीशु के बारे विस्तार में नहीं बोला, बस एक चीज आपको बोला, उसका पावर को जानो, पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। मुक्ति लहू के द्वारा मिली है। बोलिए आमेन आमेन। पापों की क्षमा, पाप धुल जाता है लहू में, लहू में इतनी पावर है पाप धुल जाता है। पाप का तनगा क्या है? मौत है। बोलिए आमेन आमेन। रोमियों 6:23 में लिखा है मौत उसे बचाने की शक्ति है लहू में। बोलिए आमेन आमेन। समझ आ गया? हालेलुया। इस वक्त सभी जना घुटने टेको, और जो भी तुसी ब्लस कराना चाहते हैं अपने हाथ में लेकर आए, अपने हाथ में उठाओ। जो भी चीजें तुसी लेकर आए अपने घर, तो पासपोर्ट हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, जल है, तेल है, ईट है, पत्थर है, चाबियां है, बतवा है, पर्स है, नौकरी का एप्लीकेशन है, जो भी है हाथ में उठा लो, हाथ में अच्छे से उठाओ। इस वक्त असी दोनों फादर लोग प्रभु के पाक हजूरी विच तुहाडे लई बरकत मांगने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, फादर पीटर और मैं इस वक्त तेरे नाम पर तेरे पवित्र हजूरी विच खड़े हाँ प्रभु जी। असी मिलकर दुआ कर दिया एक मन दे नाल, इन्हां पेण प्रावां दे लई, इन्हां बाल बच्चियां दे लई, ये जिन्हां ने प्रभु अपने अपनी जरूरतां लेके इत्थे पहुंचा प्रभु जी, ये इत्थों खाली होकर ना जाए। इन्हां दे जिंदगी विच बरकत आ जाए। आमेन। इन्हां दे पासपोर्ट उत्ते बरकत आ जाए। आमेन। ये पानी अते तेल उत्ते बरकत आ जाए। आमेन। इन्हां दे मेडिकल रिपोर्ट उत्ते बरकत आ जाए। आमेन। इन्हें नौकरी दे एप्लीकेशन दे बरकत आ जाए। आमेन। इनके फाइल दे उत्ते बरकत आ जाए। आमेन। इनके पढ़ाई दे उत्ते बरकत आ जाए। आमेन। इनके भविष्य दे उत्ते बरकत आ जाए। आमेन। इन्हां दे फाइनेंस विच बरकत आ जाए। आमेन। इब्राहिम इसहाक याकूब दे वांग इन्हां दे खानदान दे विच बरकत आ जाए। आमेन। ये सब आशीषित किया जावे। आमेन। सारे शैतानी ताकत दूर किया जावे। आमेन। शराब नशे दी आत्मा दूर किया जावे। आमेन। सारे बंधन टूटे। आमेन। सारा मंत्र तंत्र जादू टोने दा असर दूर किया जावे। आमेन। सारे परिवार विचो दुख तकलीफ दूर किया जावे। आमेन। सारे डिप्रेशन दूर किया जावे। आमेन। सारे मेंटल प्रॉब्लम दूर किया जावे। आमेन। सारे जो मानसिक रोग से दवाई खाते हैं वो सारे छुटकारा प्राप्त करें। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। जो दवाई लेकर आए दवाई पर आशीष आ जाए। आमेन। बरकत आ जाए। आमेन। हीलिंग आ जाए। आमेन। जो बेटा एक महीने से हॉस्पिटल में है, पीटर नामक जिसका रखवादा अटैक हो गया है, वो इसी वक्त चंगाई प्राप्त करे। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। जड़ियां गल्ला मनुखां दे लिए करनी असंभव हैं, प्रभु तेरे लिए करनी असंभव है। बोले हालेलुया हालेलुया। इस वचन को असी भेज देंदे हां। आमेन। जिते कितने भी रुकावट है वो वचन जाके रुकावट नु दूर करे। आमेन। यीशु दा वचन लेके दुआ करदे हां, यीशु दा नाम लेके दुआ करदे हां, यीशु दा लहू लेके प्रार्थना करते हां। इसी वक्त ये लहू दे द्वारा, वचन दे द्वारा, नाम दे द्वारा चंगे हो जाए। आमेन। आशीष ग्रहण करे। आमेन। यीशु मसीह दा नाम लेके मांगदे हां। आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे लिए जान देने वाला खुदा है, वो मेरे लिए कुछ बुराई होने देगा नहीं। मेरे लिए जान देने वाला मेरा खुदा, मेरा यीशु,
मेरे लिए कुछ बुराई होने देगा, कभी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे इतना प्यार करता है जी, वो मेरे लिए कुछ बुरा होने नहीं देगा, आपके लिए भी होने नहीं देगा। बोले आमेन, आमेन। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी खून बहाया। बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वक्त पाक सक्रमण दी असि इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण करें। इस इलाही पे देनो सजदा करिए बारंबार, इस इलाही पे देनो अहद पुराना माटे होवी नवाहद बदला जावे, अहद पुराना माटे होवे नवा दे दादे बेकना सकदिया जिसनु बेकना सकदिया जिसनु दसदाई मान सी दसदाई मान खुदा ते बेटे दे सदा गाये महिमानी, पाप खुदा ते बेटे दे सदा गाये महिमानी, ओना तो निकले पाक रूदी ओना तो निकले पाक जत पूरी होवे की जत यूजत पूरी होवे, इस इलाही पे देनो। असी प्रार्थना करिए। ऐ खुदा तू सुतम साकमेंट राही अपने दुख भोग की एक यादगार सानू दिती है, सानू अपने शरीर अते लहू दे पवित्र भेद दा इस प्रकार आदर करन दा फजल बख्श कि असी सदा मुक्ति दे फल नू अनुभव करिए, तो जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा ती कर, आमीन। असी अपने आप नू प्रभु दी आशीष दे लई तैयार करिए। वो जीवंदा प्रभु यीशु मसीह अपने हत्थां दे नाल अपने लहू दे नाल इसे समय सानू अपनी पवित्रताई अते अपनी बरकत दे विच सानू इसे समय निशान करेगा, सानू अंकित करेगा, सानू अपना बना लेगा। अपने आप में खुदा दे के पेश करिए। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हालेलुया, जोरदार जोरदार प्रभु दे लई हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।